गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट एक पढ़ेंगे। पार्ट एक में हरियर काका के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी ने हरियर काका के बारे में क्या क्या बताया, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएँ घटी, ये सब हम पिछले भागों में पढ़ चुके हैं। अभी महंत जी द्वारा हरियर काका का अपहरण कर लिया गया है और उन्हें ले जाकर ठाकुरबाड़ी में बंद कर दिया। इस पर हरियर काका के भाई उन्हें ढूंढने निकलते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 9 से। हरियर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा यह महंत का काम है। हरियर काका के जो भाई हैं वो हरियर काका को ढूंढने निकले, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छे से शक था कि ये सारा काम किसका हो सकता है, ठाकुरबाड़ी के महंत का। वह मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। मतलब उन्होंने जो व्यक्ति, मतलब अपने जो साथी संगी थे उनके साथ मिलकर वे कहाँ जा पहुँचे, ठाकुरबाड़ी। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरियर काका को मुक्त करेंगे। मतलब जब उन्हें लगा कि ठाकुरबाड़ी का वातावरण बिल्कुल शांत है, शांति नज़र आई उन्हें, मुख्य फाटक भी बंद था, चारों ओर सूनापन था, तो उन्हें यह लगा कि यह काम महंत का नहीं, किसी और अन्य डाकुओं का है। इसलिए इसके बदले में हमें उनसे मोटी रकम या उनके बदले में मोटा धन देना पड़ सकता है। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। अब जो लोग हैं उन्हें लगा कि यहाँ सन्नाटा है, तो वो दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि उतने में ही वहाँ से सामूहिक रूप से किंतु कम स्वर में आवाज़ सुनाई दी। मतलब बहुत धीरे धीरे आवाज़ सुनाई दी, लेकिन सामूहिक रूप से, मतलब दो चार जने मिलकर एक बातचीत कर रहे थे, सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरियर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब हरियर काका इसी ठाकुरबाड़ी में है, तो वह ठाकुरबाड़ी का जो दरवाज़ा है, जो फाटक है, वो पीटने लगे और उसी समय उनके ऊपर पत्थर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। तितर बितर मतलब अस्त व्यस्त होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई थी। जैसे ही जो हरियर काका के भाई हैं और उनके साथी संगी जो थे, उन्होंने हथियार संभालना शुरू किया, उसी से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। मतलब एक व्यक्ति को गोली लग गई थी, उसके गोली लगने पर ही हरियर काका के भाइयों के साथ जितने भी व्यक्ति थे वो सब भाग गए। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। फिर वे तीनों भाई ही बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव जान नहीं पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब उन्हें लगा कि जो हमारे साथ में है वो सब भाग गए हैं और हमारे तीनों के बस में नहीं है इस युद्ध को जीतना, तो वह पुलिस थाने की ओर चले गए। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और कुछ चंद विश्वासी साधु संत और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। अब जो अंदर हरियर काका को बंद कर रखा था, वहाँ पर महंत थे और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु संत थे। जो महंत उन पर विश्वास करता था, वह सादे व लिखे कागजों पर हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरियर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन आ गए हों। मतलब हरियर काका महंत जी को बहुत उच्च वर्ग का मानते थे, उनसे आदर और श्रद्धा के भाव से देखते थे। अब उन्हें लगा कि ये महंत का कौन सा रूप मेरे सामने आ गया है, वह सीधे ही ज़मीन पर आ गिरे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय व श्रद्धे समझते हैं, वह महंत अब घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। मतलब जिस महंत के कारण उन्हें लगा कि उनका परिवार सही रास्ते पे आ गया है, उनकी देखरेख करने लगा है, वह उन्हें श्रद्धा भाव से देखते थे,
अब उसी महंत को वह घिनौना बुरा आचरण करने वाला और पापी लगने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। अब जो हरियर काका है वो सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो मेरा खुद का परिवार है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है, पवित्र है और मेरी भलाई सोचता है। हरियर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। अब हरियर काका को वहां से छूटना था, वे बड़े व्याकुल थे अपने घर परिवार के पास जाने के लिए, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। लोग मतलब जो महंत के जो साधु संत थे वे उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया गया हरियर, अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धन संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अब जो महंत जी हैं वो हरियर काका को समझा रहे हैं कि मेरा जो ये कार्य है, मैंने जो ये काम किया है तुम्हारे को अपहरण करने का, तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने का, वो बहुत सही कार्य है तुम्हें धन संकट से बचाने के लिए। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई। अब जो ठाकुर बाड़ी से जो वो तीनों भाई भाग गए थे, मतलब चले गए थे वहाँ से, क्योंकि उनके जो लोग थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी, तो इससे डर कर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने पुलिस थाने की ओर प्रस्थान किया, पुलिस वालों के पास चले गए और वहाँ से वह एक दरोगा 8 जवानों के साथ आए। वहाँ से उन्होंने ठाकुर बाड़ी के फाटक से ही आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे, क्योंकि जो ठाकुर बाड़ी थी वो बहुत विशाल थी, वहाँ का जो प्रांगण था वो बहुत बड़ा था, इसलिए जो पुलिस के जवान थे वो उसे घेर नहीं पाए। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि जब दस्तक दी तब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हरियर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथ पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, मतलब एक पहले जो पत्थर और फायरिंग हो रही थी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, मतलब अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरियर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब सुबह हुई तो वहाँ पर एक काफ़ी उम्र का वृद्ध साधु था, उसने ठाकुर बाड़ी का दरवाज़ा खोला और जब पुलिस ने हरियर काका, ठाकुर बाड़ी और के महंत और पुजारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वैधता, मतलब जो उम्र थी उसको देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। जो पुलिस इंचार्ज है मतलब उसको नज़रअंदाज करना पड़ा, क्योंकि उसकी जो उम्र थी वो बहुत अधिक थी।
पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाली की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाली के नीचे के कमरों में कोई पाया गया, न छतों के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाली में नहीं मिला। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। मतलब उनको बहुत दुख हो रहा था, बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अभी तो हम जो महंत है उनको, या फिर यहाँ पर फायरिंग हुई है, साधु संतों को यहीं छोड़ के गए, अभी अब कोई भी नहीं दिख रहा है। ठाकुर बाली के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए? इस चीज़ से उनको परेशानी हो रही थी और चिंता भी हो रही थी। अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को ले लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वे अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। जो हरियर काका के तीनों भाई हैं वो पैसा देकर पुलिस को लेकर आए थे और अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि अब हम हरियर काका को छुड़वा लेंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ना तो वह हरियर काका को साथ ले पाए और ना ही साधु संतों को जेल भिजवा पाए। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी, बाद में जिन कमरों की चिटकनियाँ बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरियर काका के भाई साहब भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग व्रत साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए।